2020 का अंतिम महीना प्रारंभ हुआ और आज का मंगलवार क्षेत्र के लिए मंगलकारी नहीं रहा। अलग अलग मामलों में 4 जनों ने अपनी जान गंवाई। विस्तार से चर्चा करेंगे सभी खबरों पर। पहले बात करेंगे आज के खास सुर्खियों की। सबसे पहले सभी दर्शकों का श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के डिजिटल बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिला स्वामी। क्षेत्र के गांव बाना में शनिवार को हुआ विवाह और सोमवार को टीके की रस्म के लिए जाते हुए युवक की हो गई मौत। एक किसान सोमवार रात कभी नहीं जागने के लिए अपनी ढाणी में सोया। किसान के जिंदा जलने से हुई दर्दनाक मौत। क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने विवाह के 6.5 वर्ष बाद जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। हाईवे पर एक ट्रेलर ने 11 वर्षीय मासूम को सड़क पर कुचला। मौके पर ही हुई बालिका की मौत। श्री डूंगरगढ़ कस्बे में खेत की सीम के लिए एक ही कुटुंब के परिवारों में लाठियां चली, 3 घायल। 13 युवक परिषद को बाघना बंधुओं ने 1 दिसंबर के बाद बकाया सत्र के लिए ऑक्सीजन देने की बात कही। भाजपा नेता ताराचंद सारस्वत ने प्रधान व जिला प्रमुख बनाने का किया दावा। ये थी आज की खास सुर्खियां। विस्तार से चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दर्शकों का स्वागत। चर्चा करते हैं विस्तार से। आज 2020 का अंतिम महीना मंगलवार से प्रारंभ हुआ और अरमंगल की खबरें क्षेत्र में चर्चा का विषय रही। गांव बाना में युवक मुकेश लोहार की सड़क दुर्घटना में सोमवार रात दर्दनाक मौत हो गई। मुकेश का विवाह शनिवार को हुआ और वह अपने ससुराल नोखा के बरसिंगसर जा रहा था। मार्ग में नोखा के मसूरी गांव के पास सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उनके घर सहित पूरे गांव में इस सूचना से कोहराम मच गया। मृतक युवक का अंतिम संस्कार आज सुबह गांव बाना में गमगीन माहौल में कर दिया गया। पूरा गांव इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ गम में शामिल हुआ और पूरे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में लोगों ने इस घटना पर संवेदनाएं प्रकट की। दर्दनाक खबरों का सिलसिला यहां खत्म नहीं हुआ और श्री डूंगरगढ़ अंचल में एक किसान परिवार के दर्द से रूबरू हुआ। गांव धनेरू में अपनी ढाणी में रात को सोने गया 35 वर्षीय किसान तिलाराम पुत्र लिच्छाराम मेघवाड़ आज सुबह उठ ही नहीं पाया। श्री डूंगरगढ़ थाना अधिकारी वेदपाल शिवराम ने बताया कि लिच्छाराम के 5 पुत्र हैं और सभी उसके खेत में अलग अलग ढाणी बनाकर रहते हैं। तिलाराम भी अपनी ढाणी से थोड़ी दूर पर ट्यूबवेल व डिग्गी के पास बने झोंपड़े में रात को लाइट आने पर ट्यूबवेल चलाने में बंद करने के लिए सोया। रात को अज्ञात समय पर उसके झोंपड़े में बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट हुआ और खीम से बनी झोंपड़े ने आग पकड़ ली। तिलाराम उठकर बाहर आ पाता उससे पहले ही झोंपड़े की छत उसके ऊपर आ गिरी और वह आग के नीचे दबकर जिंदा जल गया। सुबह 5:30 बजे परिजन उठे तो उन्हें घटना की खबर लगी और घर में कोहराम समझ गया। सूचना मिलने पर श्री डूंगरगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक का शव श्री डूंगरगढ़ चिकित्सालय लेकर आए। इस संबंध में मृतक के पिता लिच्छूराम ने मर्ग दर्ज करवाने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्री डूंगरगढ़ तहसील में मंगलवार सुबह एक और बुरी खबर सामने आई और क्षेत्र में एक विवाहिता ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गांव पुंदरसर निवासी देवी सिंह राजपूत की पत्नी वसु कंवर ने मंगलवार सुबह जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों से उपचार के लिए श्री डूंगरगढ़ चिकित्सालय लेकर आए जहां उनकी मौत हो गई। नियमों के अनुसार मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया और मृतका के पिता भानीपुरा खाजवाला निवासी लक्ष्मण सिंह ने मर्ग दर्ज करवाई है, जिसमें लक्ष्मण सिंह ने अपनी पुत्री वसु कंवर के भूलवश चूहे मारने की दवा खा लेने की जानकारी दी है। आज दोपहर करीब 2:30 बजे नेशनल हाईवे 11 पर एक ट्रक ट्रेलर ने 11 साल की बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बालिका की मौत हो गई। श्री डूंगरगढ़ थानाधिकारी वेदपाल शिवराम ने बताया कि गांव रेडी निवासी तोलाराम जाट गांव हेमासर के पास खेत काश्त करने के लिए ले रखा है। उसकी 11 वर्षीय पुत्री मोनू को ट्रक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को श्री डूंगरगढ़ चिकित्सालय लाया गया। इस संबंध में मृतक बालिका के बड़े भाई रामनिवास ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। कस्बे के बिग्गावास निवासी एक कुटुंब के 2 परिवार खेत के विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए और दोनों परिवारों में जमकर लाठियां चली। मारपीट में दोनों पक्षों के 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए और तीनों को श्री डूंगरगढ़ चिकित्सालय में उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया।
श्री डूंगरगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल आवड़दान ने बताया कि रोही जेतासर में स्थित खेत पर कब्जे के लिए मोती खान व हाकम खान के परिवार आपस में भिड़ गए। दोनों परिवारों में लाठियां चली व मोती खान और उसके भतीजे अयूब खान व दूसरे पक्ष के हाकम खान के सर में चोटें लगी। तीनों घायलों को बीकानेर भेज दिया गया। इस संबंध में एक पक्ष के बसीर खान ने दूसरे पक्ष के मोती खान, मुनीम खान, अयूब खान, अमजद अमीर फरियाद, शाहरुख रुबीना, पीना कौशल रसीदा और ताज गोयली आदि के खिलाफ जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं दूसरे पक्ष ने मंगलवार देर रात तक इस संबंध में थाने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। श्री डूंगरगढ़ की सामाजिक संस्था तेरापंथ युवक परिषद के द्वारा श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में उपलब्ध करवाई जाने वाली ऑक्सीजन सेवा का 1 दिसंबर से चालू सत्र के समाप्त होने तक की व्यवस्था का अर्थ सहयोग कस्बे के कालीकट प्रवासी व्यवसायी राजकुमार बाबना व रमित बाबना ने अपने स्वर्गीय पिता बाबूलाल बाबना की स्मृति में देने की घोषणा की है। तेयो के अशोक झाबा की प्रेरणा से दोनों बाबना बंधुओं ने 5 न्यूमिलाइजर मशीन तेयो को देने के साथ बकाया सत्र का ऑक्सीजन का पूरा खर्च वहन करने की बात कही। तेयो अध्यक्ष जितेंद्र झाबक ने राजकुमार बाबना और रमित बाबना का आभार प्रकट किया। पंचायत चुनाव से पहले पर्चे खारिज होने के विवाद को लेकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेने वाले ताराचंद सारस्वत ने आज जिले में तीसरे चरण के मतदान पूर्ण होने के साथ ही जिले में प्रमुख व पंचायत समितियों में अधिकांश प्रधान भाजपा के बनने का विश्वास जताया है। देहात जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने आज बीकानेर जिला कार्यालय में संगठन प्रभारी काशीराम गोदारा के साथ बैठक की और दोनों नेताओं ने मतदान के बाद चुनाव के बारे में समीक्षा चर्चा की। बता दें कि पूरे जिले के पंचायत चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। ये थी श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र की खास खबरें। कल फिर हाजिर होंगे श्री डूंगरगढ़ के सभी प्रमाणिक और विश्वसनीय खबरों के साथ। आप क्षेत्र के पहले डिजिटल बुलेटिन से जुड़े और अपने क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समाचारों के साथ अपडेट रहें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शुभ रात्रि।